लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा। वीडियो देख पूरा देश हुआ हैरान। जहां पता चली कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई 2024 को वोटिंग होने वाली है। इस फेज में कुल 95 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए कमाल संभालते हुए नजर आ रहे। भाजपा की तरफ से फ्रंट लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी हाल ही के दिनों में भागलपुर में हुए चुनाव में कांग्रेस की सबसे खूबसूरत नेता और बॉलीवुड की एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपने पिता के लिए कैंपेन करने के लिए पहुंचती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से यहां पर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत नेता अपने पिता के लिए जीप पर सवार होकर भागलपुर की सड़कों पर वोट मांगने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है। जी हां, आपको बताया चली कि एक्ट्रेस नेहा शर्मा इन दिनों बिहार के भागलपुर में है। वो अपने पिता और कांग्रेस नेता उम्मीदवार अजीत शर्मा का समर्थन करने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। बीते दिनों पहले एक्ट्रेस ने भागलपुर की सड़कों पर रोड शो किया और इस चुनाव की काफी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे। फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच सब बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा शर्मा का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल गया, उसके बाद से राजनीति में भयंकर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से हर्षराज की रिपोर्ट।